हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग फिगर के कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां। ठीक है दोस्तों, तो काउंटिंग फिगर में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, डिटेल में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे ट्राइंगल कैसे काउंट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर प्रकार की आकृति ली जाएगी, बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो पहली आकृति आपको इस प्रकार से नजर आएगी दोस्तों। अब इसमें अगर आप एक एक करके काउंट करोगे तो इसमें तो आप काउंट कर जाओगे भाई, एक दो तीन, फिर दो दो के कंबाइन से बढ़ेगी, फिर तीन तीन कंबाइन से बढ़ेगी। लेकिन जब इस प्रकार की आकृति आती है या ऐसी आकृति आती है तो वहां पे काउंट तो कर लेंगे लेकिन टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए टाइम को कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स आप कर सके, इसलिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनके माध्यम से हम इन सवालों को काउंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जब इस प्रकार की आकृति होती है, सबसे बेसिक आकृति कहलाती है, और इस प्रकार की आकृति में तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको करना क्या है, जितने आपको ये कॉलम नजर आ रहे हैं इनको नंबरिंग दे दो। तो यहां पे एक दो और तीन दे दिया। अब जो आपने नंबरिंग दी है एक दो तीन, इन सबको ऐड कर दो, तो तीन दो पांच और एक छह, तो इसमें ट्राइंगल कितने होंगे दोस्तों, छह ट्राइंगल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर दूसरी आकृति को देखा जाए तो इसी से थोड़ी सी बड़ी आकृति है, यानी सेम पैटर्न पर अगली आकृति है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाएंगे, जितने कॉलम आपको नजर आ रहे हैं उनको नंबरिंग देंगे, एक दो तीन चार पांच, और जो आपने नंबरिंग दी है, जो नंबर आपने इसमें लिखे हैं एक से लेकर जहां तक कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, इनको आपस में जोड़ देना है। तो पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह, तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं दोस्तों, 15 ट्राइंगल हैं दोस्तों। इसी प्रकार ये ट्राइंगल है, तो यहां पे एक दो तीन चार पांच छह सात, जो आपने नंबरिंग दी है इसको क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो यहां पे देखिए सात छह तेरह, पांच अठारह, चार बाईस, तीन पच्चीस, दो अट्ठाईस, सत्ताईस और एक अट्ठाईस दोस्तों। इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, 28 ट्राइंगल यहां पे होंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नंबर चार आकृति पर। तो नंबर चार आकृति में क्या है, यहां पे ये जो बेस था, यहां पे एक बेस था, तो हमने यहां से काउंटिंग की कि भाई एक दो तीन, फिर ऐड कर दिया। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे एक बेस और होता, तो जितने ट्राइंगल आपकी इस बेस से बन रही हैं उतने ही ट्राइंगल आपकी इस बेस से बनेंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए एक ये ट्राइंगल यहां से बनती इसी बेस पर, एक ऐसी ही ट्राइंगल सेम पाथ पर ये बनती, यानी कि जितने ट्राइंगल आपको इस बेस पर नजर आ रही हैं, अगर एक बेस यहां पे और होता मान लीजिए, तो उतने ही ट्राइंगल यहां नजर आती, एक और बेस होता तो उतने ही ट्राइंगल इस पर बनती। बात आ रही समझ में? तो आपको करना क्या है, यहां पे दो प्रकार से आप कर सकते हो, या तो सबको एक नंबरिंग दे दो, एक दो तीन चार, तो यहां पे चार तीन सात, दो नौ एक दस, यानी पहले बेस पर ट्राइंगल कितनी है, दस है भाई, इस पर दस बनेंगी तो यहां भी दस बनेंगी, यहां भी दस बनेंगी, टोटल कितनी हो जाती है, तीस हो जाती है। या हम ये कहें कि भी एक बेस से दस ट्राइंगल बन रही है, यहां पे बेस है कितने टोटल, एक दो तीन, तो दस गुणा में तीन कर देंगे तब भी कितने ट्राइंगल आएंगे, यहां पे तीस ट्राइंगल आएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन बेटर क्या रहेगा, आप देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दस गुणा में तीन कर दिया तीस आ गया, लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आपको लगेगा यहां पर, लेकिन कुछ भी दम नहीं है इन क्वेश्चनों में, सेम यही पैटर्न यहां पर लागू हो रहा है। जितने बेस आपको नजर आ रहे हैं उनको नंबरिंग दे दो, नंबरिंग को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां पे देखिए एक दो तीन चार पांच छह, तो यहां पे इस बेस पे उन्हें नंबरिंग दे दिया, यहां पे एक दो तीन चार पांच छह, अच्छा यहां पे तो बेस तीन ही है, एक दो तीन, यहां पे एक दो तीन, यहां पे एक दो तीन, इतना काम किया, अब सबको जोड़ दो, तो छह पांच ग्यारह, चार पंद्रह, तीन अठारह, दो बीस और एक इक्कीस, तो इस बेस से यहां से इक्कीस ट्राइंगल बनेंगे, यहां से भी इक्कीस ट्राइंगल बनेंगे, यहां से तीन दो पांच और एक छह, यहां से तीन दो पांच और एक छह, तीन दो पांच और एक छह, ठीक है दोस्तों, ये टोटल ट्राइंगल बनेंगे। तो इक्कीस दो बयालीस, छह अड़तालीस,
54 और 6 60, तो टोटल ट्राइंगल यहां पे कितने होंगे दोस्तों, 60 त्रिभुज यहां पे होंगे इस त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल कंसेप्ट के आधार पे नंबरिंग डालेंगे। जैसे ये सवाल दे रखा है तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, तो यहां से कितने बढ़ेंगे दोस्तों 10, यहां पे 1 2 3 तो कितने बढ़ेंगे दोस्तों 6, यहां से 1 2 3 कितने बढ़ेंगे दोस्तों 6, भाई 3 2 5 और 1 6, यहां पे 1 2 कितनी होगी 3 होगी, यहां पे 1 2 कितनी होगी 3 होगी, सबको जोड़ दो तो 10, देखो 10 6 16 6 22 3 25 और 3 28 दोस्तों, तो यहां पे ट्राइंगल कितनी है 28 है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक ट्राइंगल थी, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, इन्हीं से आगे बढ़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का मॉडिफाई रूप थोड़े से और बढ़िया आकृति हम लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली आकृतियों पर, तो 7 नंबर आकृति है यहां पे, तो यहां पे आपको क्या नजर नहीं आ रहा कि इस प्रकार की आकृति थी कोई, इस प्रकार की कोई आकृति थी और उसी के विपरीत एक और लगा दिए इस प्रकार से, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके अलग काउंट कर लेंगे, इसके अलग काउंट कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां पे कितना आएगा 1 2 3 4, मतलब कितनी दोस्तों 10, यहां पे 1 2 3 4 कितनी दोस्तों 10, तो 10 और 10 कितना दोस्तों टोटल यहां पे 20 ट्राइंगल हो जाएंगे। यहां पे बात करें तो ये विपरीत जोड़ी गई है, जैसे एक आकृति विपरीत है इस प्रकार से, एक इसकी विपरीत है दोस्तों, इस प्रकार से यहां पे विपरीत जोड़ी गई है, तो सेम प्रोसेस अलग अलग दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों, देखो यहां से अगर कोई मिड से कोई लाइन गुजरती बीचों बीच तो हो सकता था और भी आकृति बढ़ सकती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, और यहां भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बीच से सीधी लाइन गुजर रही हो और कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा हो, ऐसा तो नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना अलग अलग काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 दोस्तों, यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने आएंगे दोस्तों 21, और टोटल कितने हो जाएंगे 36, तो यहाँ पे ट्राइंगल कितनी है 36 ट्राइंगल है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहां पर बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, केवल दिखावा है, वही बेसिक आकृतियां हैं जिनको जोड़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल इस प्रकार से थी, एक ट्राइंगल इस प्रकार से थी, दूसरी इसकी तिरछी, इसी आकृति को तिरछा करके ऐसे यहां पे जोड़ दिया गया इस प्रकार से, बात आ रही समझ में, और तीसरी आकृति को यहां जोड़ दिया गया इस प्रकार से, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले सब अलग अलग काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे कितने बढ़ेंगे दोस्तों 10, यहाँ भी कितने बढ़ेंगे दोस्तों 10, यहाँ भी कितनी होंगी 10, तो 10 20 30, 30 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे दोस्तों प्लस, ये जो 10 ट्राइंगल है ना दोस्तों ये खुद की है, इसकी इतने की ये 10 ट्राइंगल इसकी है, ये 10 ट्राइंगल इसकी है, जब आप तीनों 10 10 ट्राइंगल वालों को जोड़ोगे आपस में तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा नजर आएंगे आपको, एक तो ये सबसे बड़ी नजर आएगी, ये आपको यहां पे हिडन ट्राइंगल जिसको कहा जाता है ये भी आपको काउंट करना पड़ेगा, और एक के अंदर वाली ट्राइंगल है ये भी इनको जोड़ने के बाद ही प्राप्त होती है, तो 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेगी, तो टोटल यहां पे हो जाएंगे 32 ट्राइंगल दोस्तों। ठीक है, सेम पैटर्न पर यह सवाल है दोस्तों, तो आपको बताए इसमें 1 2 3 4, तो यहां पर कितने होंगे दोस्तों 10 ट्राइंगल, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने होंगे दोस्तों 10 ट्राइंगल, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने होंगे दोस्तों 10 ट्राइंगल, अब ये अंदर छोटी छोटी हैं, तो 1 2 का मतलब कितना दोस्तों 3, इसमें भी कितनी 3, इसमें भी कितनी 3, तो देखो 10 20 30 3 6 9 30 और 9 कितनी दोस्तों 39, तो होगी सीधी सीधी प्लस, एक्स्ट्रा ट्राइंगल कौन कौन सी है, एक ट्राइंगल ये है जो सबसे बड़ी है, छोटे है अंदर तीनों के मिलने से बड़ी, एक ये है जो कि हिडन ट्राइंगल है जो काउंट नहीं हो पाई 2, और एक ट्राइंगल ये है जो सबसे बड़ी है, तो 3 ट्राइंगल यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है, तो 42 ट्राइंगल यहाँ पे होती है, तो कुल ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे 42 होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हमने देखा ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल काउंट करना दोस्तों, ठीक है, अब इनसे जो अपर लेवल के ट्राइंगल्स आएंगे वो कंबाइन आएंगे, तो उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा भी ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल, अब देखें बॉक्स के अंदर ट्राइंगल होते हैं, जैसे आपको यहां पे बॉक्स नजर आ रहे हैं, तो इनके अंदर ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, और फिर आगे इनसे अपर लेवल के क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक हमने डिस्कस किया है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये बॉक्स दे रखा है, इसमें ट्राइंगल काउंट करनी है,
तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर बिना किसी ट्रिक के देखें तो यहाँ पे ट्राइंगल एक दो तीन चार, चार तो आपको छोटे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। अब आपको एक विकर्ण ये नजर आ रहा होगा, तो एक विकर्ण से दो ट्राइंगल बनते हैं, कैसे, एक तो ये वाला नीचे की ओर और एक ही उल्टा, इसी प्रकार दो ट्राइंगल एक इससे बनेंगे, ये वाला एक है और एक ये नीचे वाला ये, ठीक है। तो चार छोटे ट्राइंगल बनते हैं, चार ही बड़े ट्राइंगल बनते हैं, यानी टोटल कितने हुए, आठ। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट काउंट करेंगे, कैसे, जितने कॉलम नजर आ रहे हैं उनको नंबरिंग दे दो, एक दो तीन चार, और चार का डबल कर दो कितने आ जाएंगे दोस्तों, आठ। जैसे यहां पे ट्राइंगल पूछा गया है तो एक दो तीन चार पांच छह, तो जितने आपके यहाँ पे छोटे कॉलम है उतने ही बड़े ट्राइंगल आपको नजर आएंगे, तो आपको सबसे बड़े नंबर का डबल कर देना है, कितना आएगा दोस्तों, बारह। तो इसमें ट्राइंगल कितनी होंगी, बारह। इसी प्रकार ये डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और आठ का कर देंगे डबल, तो ट्राइंगल कितनी होंगी दोस्तों, 16 ट्राइंगल होंगी। यानी जितने छोटे ट्राइंगल उतने ही बड़े ट्राइंगल यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको आठ छोटे ट्राइंगल मिले हैं तो आठ ही बड़े मिलेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, जितने छोटे थे उनका डबल कर दिया, तो आठ का डबल कितना, 16। ये यहाँ पे बेसिक पार्ट है। अब जो आगे ट्राइंगल आपको नजर आ रही है वो इन्हीं बेसिक ट्राइंगल से मिलकर बनी हुई है। जैसे आपको ये 14 नंबर आकृति नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है, इस प्रकार के दो बॉक्सों को कनेक्ट किया दोस्तों। तो पहली चीज आपको बताइए, इस बॉक्स में कितने ट्राइंगल होते हैं, आठ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कितने होते हैं, आठ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आठ और आठ कितना दोस्तों, 16। ट्राइंगल 16 होने चाहिए, लेकिन ट्राइंगल 16 नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आपने इन दो बॉक्सों को कनेक्ट किया तो आपको एक्स्ट्रा ट्राइंगल भी मिलेंगे दोस्तों। ऐसे ट्राइंगल जो दोनों में है, यानी दोनों में साझा है। जैसे यहां पे बात करें तो यहां से ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा होगा जो दोनों से होकर गुजर रहा है और जिसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, और एक इसी का विपरीत आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा होगा जो दोनों से होकर गुजर रहा है और जिसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। तो 16 तो आपने बेसिक काउंट की और दो एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 18 ट्राइंगल हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब आपने इस प्रकार के दो बॉक्सों को जोड़ा तो एक पॉइंट यहां पे नजर आया, एक पॉइंट आपको नजर यहां पे आया, तो जितने पॉइंट है उतने ही एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये ट्राइंगल है, अब इस डायग्राम में देखे ट्राइंगल कितने हैं, तो इसमें कितने होंगे दोस्तों, आठ। इस बॉक्स में कितने, आठ। इस बॉक्स में कितने, आठ। आठ आठ 16 आठ या 24 तो सीधे सीधे हो गए दोस्तों। जब आप पहले और दूसरे को कनेक्ट करोगे, यहां से कितने पॉइंट बन रहे, एक और दो। या आप ये कहें कि यहां से एक ट्राइंगल ये बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, और एक इसका विपरीत आपको नजर आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार जब दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो यही ट्राइंगल आपका यहां से ऊपर भी गुजर रहा है, ये वाला, और एक इसका विपरीत ये नजर आ रहा है। यानी यहां से भी दो मिलेंगे एक्स्ट्रा और यहां से भी दो एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल चार एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 24 और 4 कितने दोस्तों, 28 ट्राइंगल यहां पे हो जाते हैं। बात आ रही समझ में, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, अब इसमें काउंट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बेसिक काउंट करते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो छह का डबल कितना दोस्तों, 12, तो इसमें कितने, 12। इसी प्रकार इसमें भी कितने होंगे, 12। अब आप दोनों को काउंट कर रहे हो तो ये थोड़ा सा इनसे भिन्न है थोड़ा सा, तो यहां पे आप दोनों में कंबाइंड ट्राइंगल देखें दोस्तों, तो आपको एक ट्राइंगल तो ये नजर आ रहा होगा जो दोनों में कॉमन है और ये छोटा है, और एक किसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा होगा। यानी दो ट्राइंगल ऐसे जो ऊपर की ओर हैं, दोनों में कंबाइन, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, और दो ही ट्राइंगल आपको नीचे की ओर नजर आएंगे, ये वाला, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दोस्तों, यहां पर चार एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 12 और 12 24 और 4 28 ट्राइंगल यहां भी कितने हैं, 28 ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। बात आ रही समझ में, जैसे आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, तो यहां पे देखें कितने ट्राइंगल होंगे दोस्तों, 8। यहां पे कितने हैं, 8। इसमें भी कितने हैं, 8। 8 8 16 और 8 या 24। ए और बी को जोड़ने पर कितने मिलते हैं, दो ट्राइंगल। बी और सी को जोड़ने पर कितने ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। तो 8 या 24 और 4 28 ट्राइंगल होने चाहिए, लेकिन 28 नहीं है, यहां पे 29 ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि देखो ए और बी को जोड़ने से दो ट्राइंगल, बी और सी को जोड़ने से दो ट्राइंगल। हमने क्या किया, पहले सिंगल के काउंट किए, 8 हुए, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं,
फिर हमने दो दो में चेक किया, तो यहां से दो मिले, यहां से दो मिले। अब हम तीनों में कंबाइन देख रहे हैं, क्या ऐसा कोई ट्राइंगल है जो तीनों से होकर गुजर रहा हो? यस बिल्कुल। तो आपको ये ट्राइंगल क्या नजर नहीं आ रहा जो तीनों से होकर गुजर रहा है और जो सबसे बड़ा है यहाँ पे? तो ये जो ट्राइंगल है इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और ट्राइंगल इस प्रकार से हो जाते हैं टोटल 29। ठीक है, तो 29 यहाँ पे ट्राइंगल हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और 2 सितंबर से हमारा बैच आ रहा है रीजनिंग और मैथ का कंबाइन सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 सितंबर से पहले पहले अपनी फीस जमा करवाइए। फीस जमा करवाने के लिए आपको 9468164742 9486164242 इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं रीजनिंग और मैथ 50 में से 50 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए गोल्डन बैच है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए ही आज ही अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।